स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप जी और हमारे राजमंत्री दानिश अंसारी जी, इनका महत्वपूर्ण उद्बोधन हुआ। समाज को कैसे आगे बढ़ाने का काम किया जाए, माननीय मोदी जी की नीतियां, माननीय योगी जी की नीतियां इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। जो सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं सभी को एक समान मिलने का काम इस समाज के द्वारा सारा विकास हो, ये सरकार ने प्रयास किया है। उसी प्रयास को में बंद कर, उसी प्रयास में विश्वास के साथ आज बड़ी भारी तादाद में, हजारों की संख्या में पसमांदा समाज के लोग यहाँ इकट्ठा आए, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। अब आने वाले वक्त में हम ये देखेंगे कि मुस्लिमों को टिकट भी मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, मुसलमानों को टिकट पहले भी दिए हैं और आगे भी देने का काम किया जाएगा। मदरसों, अगर हम मदरसों की बात करें तो मदरसों को लेकर एक भ्रांतियाँ लगातार आ रही हैं, तो क्या स्टैंड है सरकार का और क्या मकसद है? बेहतर शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए मदरसा शिक्षा में बहुत परिवर्तन किया गया है। अब हम इनको NCERT की किताबें देने का काम कर रहे हैं। अब मात्र ये मौलवी ही नहीं, ये IAS और IPS और इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे गरीब मुसलमानों के बच्चे, इसमें परिवर्तन किया है। खैर मानते हैं, आप जो नई सिस्टम में आना चाह रहे हैं, जित पे अड़े, इनके लिए क्या करेंगे? इसके लिए उच्च स्तरीय वार्ता करके फिर बातचीत की जाएगी, बच्चों के हक में जो ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।